यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PK07। और आज के व्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का व्लॉग में मैं अपनी बाइक में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कराने जा रहा हूँ। मतलब इसका आगे से तो मेरे हिसाब से पूरी तरह से मॉडिफाइड है, सिंपली और अच्छी खासी। बट जो मैं अब कराने जा रहा हूँ अपने बैक में, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन, जैसे थोड़ा सा अपडेट कराने जा रहा हूँ अपने बैक में। जैसे आपको दिखाता हूँ, मेरी बाइक का पीछे से कुछ इस तरह से लुक आता है, जो कि मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता और मुझे इतनी खास भी नहीं लगती अपने पीछे से बाइक। इसलिए मैं क्या सोच रहा हूँ, अपनी बाइक का जो पूरा तो नहीं हटा सकते क्योंकि इसमें डिटैचेबल तो पूरे टेल है नहीं कि टेल टैडी लगवा दे। टेल टैडी लगवाने के लिए हमें पूरी की पूरी बाइक यहाँ से कटवानी पड़ती है, इस जगह से पूरी की पूरी कटवा के फिर लगी कि वो जो कि इतनी अच्छा नहीं है और सेफ भी नहीं है। इसलिए मैं क्या सोच रहा हूँ, अपनी बाइक में यहाँ से जो ये पार्ट है ना, इतना जो पार्ट है, इस पार्ट को कटवा के जो मतलब नंबर प्लेट तक ही रखेंगे अपनी बाइक को, वही कराने की सोच रहे हैं। कराने की क्या सोच रहे हैं, मैंने मन बना लिया, अब चलते हैं अपनी बाइक को मतलब जहाँ ये कटता है उसके पास और कटवा के फिर आपसे बात करते हैं कैसी लग रही है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम अपनी नंबर प्लेट निकलवा रहे हैं, निकलवा के फिर कटेगी ना। अभी हम कटवा रहे हैं मरघाट यहाँ से, ड्रिल से नहीं कटवा रहे क्योंकि ड्रिल से ना हमारी जो फिनिशिंग होती है ना वो अच्छे से नहीं आएगी, इसलिए भैया जो है अपने हाथ से काट रहे हैं। ये रहा, नंबर प्लेट इसलिए निकलवा देना, फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी और फिनिशिंग अच्छी आएगी तो पीछे से लुक भी अच्छा देगा, जो खुदरा खुदरा सा पार्ट होगा ना वो नहीं देखेगा, मेन बात यह। अब देखना जब एक बार कट जाएगा ना तब लुक अच्छा आएगा इसका। हाँ वो कीचड़ की थोड़ी समस्या ना है बस, और वो नहीं आएगी क्योंकि वहाँ हमारी नंबर प्लेट लटक रही होगी वहाँ लगी होगी, पीछे से भी अच्छी खासी लगेगी फिर भाई। काफ़ी टाइम से सोच रहा था कटवाने की, आज फ्री हैं घर पे तो सोचा आप कटवा ही लेते हैं। इस तरह से लग रही अपनी बाइक, आपसे जा रहे हैं नंबर प्लेट लगवाने अपनी। नंबर प्लेट लगा के बाइक का एक बार आपको फाइनल लुक दिखाऊंगा डायरेक्ट। फाइनली मैं अपनी जो बाइक है TVS राइडर उसका बैक मॉडिफाई कर चुका हूँ अपने एंड से और मुझे ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है बाइक पीछे से। एक बार आपको दिखाता, देखो पीछे से कुछ अब इस तरह से लग रही है जब मैंने बैक पैनल कटा दिया और टायर दिख रहा है, जब टायर घिस जाएगा और मैं जब वाइड टायर लगाऊंगा ना तब और ज़्यादा अच्छी लगेगी बाइक। अब ये पीछे से कुछ इस तरह से लगती है मेरी बाइक और आगे से तो लगती ही जहर है, आगे से फिलहाल इस तरह से लग रही है जो कि काफ़ी अच्छी और सेक्सी बाइक है। यही थी बैक मॉडिफिकेशन की वीडियो, होप आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बट इसका एक साइड इफेक्ट है, वो अभी पता नहीं चलेगा, जब बारिश का टाइम आएगा ना तब पता चलेगा कि पीछे पानी तो नहीं फेंकता है ऊपर तक, वैसे तो वो नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि नीचे तक वो लगी पड़ी है नंबर प्लेट तो इस वजह से नहीं फेंकनी चाहिए, बट अगर बाइक ज़्यादा तेज़ चलाऊँगा तो शायद पानी ऊपर तक फेंकेगा। और एक साइड इफेक्ट ये भी है कि इसे आप बहुत सोच समझ के कटवाना क्योंकि अगर एक बार कट गया तो नया पार्ट भी नहीं लगेगा और दोबारा जुड़ेगा भी नहीं वो चीज़, क्योंकि एक बार कट चुकी है तो आप बहुत सेफ्टी से और सोच समझ के कटवाना अगर कटवाओगे तो, क्योंकि दोबारा नहीं लगेगा ये पार्ट। यही थी आज की वीडियो, होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। बाय, थैंक यू।